नौकरी की बाट जोह रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नौकरियों में कानूनी अड़चनों व अन्य कारणों से विपक्ष के निशाने पर रही हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा में करीब 10 साल बाद जहां JBT अध्यापकों की भर्ती होगी, वहीं पुलिस, होमगार्ड व स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भर्ती का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सैनी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सामने आए मुद्दों को देखते हुए जमीनी स्तर पर सुधार के प्रयास कर रहे हैं। वे हर रोज बड़े फैसले ले रहे हैं, इसी के तहत भर्तियों के संबंध में फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में 10 साल बाद JBT अध्यापकों की भर्ती होगी। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1200 JBT अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। लाखों उम्मीदवार अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर 10 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में भी भर्तियाँ की जाएगी। पुलिस की ओर से हरियाणा सरकार को बताया गया है कि प्रदेश में सिपाही के 15,541 पद खाली हैं। इस कारण 5,000 पुरुष व 1,000 महिला पुलिस कर्मचारियों की जरूरत बताई गई है। यह संख्या उन 6,000 पदों से अलग है जो विज्ञापित हो चुके हैं। इसके साथ साथ 5,000 SPO भर्ती करने की भी जरूरत बताई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 672 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार ने 44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्मचारियों को खुश कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत 1,19,000 कर्मचारियों को 8% वेतन वृद्धि का बड़ा तोहफा दिया है। इससे इन कर्मचारियों में खुशी की लहर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए CM नायब सैनी एक्शन मोड में हैं। वे लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन फैसलों का क्या असर होता है। फिलहाल भर्तियों के लिए की गई घोषणा बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। युवा इन पर नज़र बनाए रखें और समय रहते इन नौकरियों के विज्ञापन निकलने पर आवेदन कर इनका लाभ उठाएं। इस तरह की खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें कैथल खबर से। नौकरी की बाट जोह रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नौकरियों में कानूनी अड़चनों व अन्य कारणों से विपक्ष के निशाने पर रही हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा में करीब 10 साल बाद जहां JBT अध्यापकों की भर्ती होगी, वहीं पुलिस, होमगार्ड व स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भर्ती का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सैनी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सामने आए मुद्दों को देखते हुए जमीनी स्तर पर सुधार के प्रयास कर रहे हैं। वे हर रोज बड़े फैसले ले रहे हैं, इसी के तहत भर्तियों के संबंध में फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में 10 साल बाद JBT अध्यापकों की भर्ती होगी। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1200 JBT अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। लाखों उम्मीदवार अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर 10 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में भी भर्तियां की जाएगी। पुलिस की ओर से हरियाणा सरकार को बताया गया है कि प्रदेश में सिपाही के 15,541 पद खाली हैं। इस कारण 5,000 पुरुष व 1,000 महिला पुलिस कर्मचारियों की जरूरत बताई गई है। यह संख्या उन 6,000 पदों से अलग है जो विज्ञापित हो चुके हैं। इसके साथ साथ 5,000 SPO भर्ती करने की भी जरूरत बताई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 672 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार ने 44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्मचारियों को खुश कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत 1,19,000 कर्मचारियों को 8% वेतन वृद्धि का बड़ा तोहफा दिया है। इससे इन कर्मचारियों में खुशी की लहर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए CM नायब सैनी एक्शन मोड में हैं। वे लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन फैसलों का क्या असर होता है। फिलहाल भर्तियों के लिए की गई घोषणा बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। युवा इन पर नज़र बनाए रखें और समय रहते इन नौकरियों के विज्ञापन निकलने पर आवेदन कर इनका लाभ उठाएं। इस तरह की खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें कैथल खबर से।